आज का सवाल है, कैन स्लिप डिस्क बी क्योर्ड बाय हैविंग बेड रेस्ट? हाय एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष है और आज का सवाल है, कैन स्लिप डिस्क बी क्योर्ड बाय हैविंग बेड रेस्ट? देखिए, स्लिप डिस्क का मतलब यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो कुशन सिस्टम है वो वहां से स्लिप किया और प्रेफरेबली वो स्लिप करने के बाद उस जगह पर चला गया जहां पर आपकी रीढ़ की नसें होती हैं। ऐसा होने की वजह से गर्दन में स्लिप डिस्क होगा तो हाथों में दर्द आ सकता है, कमर में स्लिप डिस्क होगा तो पैरों में दर्द आ सकता है। यदि आपको स्लिप डिस्क हो गया है और आपको स्लिप डिस्क रीसेंट है तो इसके लिए आपको बेड रेस्ट कई बार डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। मैं भी अपने पेशेंट्स को रेस्ट एडवाइस करता हूँ यदि एक्सट्रीम पेन हो पेशेंट को और पेशेंट को अक्यूट डिस्क हर्निएशन हो। अक्यूट डिस्क हर्निएशन में काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या फिर सूजन करने वाली चीज़ें निकलती हैं शरीर में जो कि नस को इरिटेट करती हैं और काफ़ी दर्द देती हैं। ऐसे केस में रेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है और पेशेंट ठीक होने लगता है। तो अगर आपकी स्लिप डिस्क को 2, 3 या 4 हफ्ते हुए हैं तो आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया जा सकता है जिससे आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी स्लिप डिस्क को 2.5 महीने 3 महीने हो चुके हैं तो बेड रेस्ट का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपकी स्लिप डिस्क में आपको ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्व हो रहा है, आपको वीकनेस आ रही है या आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, ऐसे केसेस में सर्जरी ही एक इसका आंसर होता है जो कि जल्दी से जल्दी आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके ले लेना चाहिए। सर्जरी कई तरीके से हो सकती है जिसमें ओपन सर्जरी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है और एंडोस्कोपिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी होती है। वो तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन बेड रेस्ट करना एक अच्छी चीज़ है। अगर इसको दवाइयों के साथ किया जाए तो आपको रिजल्ट मिल सकता है, प्रोवाइडेड, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम को 4 हफ्ते या 6 हफ्ते हुए हैं तो। इससे ज़्यादा बेड रेस्ट करने का कोई खास मतलब नहीं बनता। 2-3 हफ्ते का बेड रेस्ट इज मच मोर देन सफिशियंट। जनरली इंटरनेशनली तो बेड रेस्ट 2-4-6 दिन से ज़्यादा कभी दिया ही नहीं जाता। मैं आपको ऑलरेडी ऑन द हायर साइड ही बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा बेड रेस्ट करने से फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है और पेशेंट को प्रॉब्लम बढ़ती भी है कभी कभी। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस जवाब से कुछ फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सवालों को मुझे लिखकर भेज सकते हैं।